Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने खुद भूत गतिविधियों का अनुभव किया है। हैरिस सोहेल। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैरिस सोहेल जब न्यूजीलैंड में खेलने गए थे तब वो रीडजस लैटाइमर नामक एक होटल में रुके थे। रात के वक्त सोहेल ने अपने टीम के कोचिंग मेंबर्स को कॉल करते हुए कहा कि उनके बेड को कोई अदृश्य शक्ति हिला रही है, और जब लोग उनके कमरे में पहुंचे तो सोहेल पसीने से लथपथ डरी हुई हालत में पाए गए। स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड अपने ही देश में स्थित लैंगहैम होटल में रुके थे। 1865 में बने इस होटल को भूत माना जाता है। कहा जाता है इस होटल में कई लोगों ने आत्महत्याएं और हत्याएं की थी, और इन्हीं लोगों की आत्माएं अब इस होटल में मंडराती हैं। शायद ऐसी ही कुछ आत्माओं से स्टुअर्ट का पाला पड़ा था। स्टुअर्ट का कहना था, एक रात अचानक से उनकी नींद खुल गई और उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी, और तभी उन्होंने एक काली परछाई को अपने कमरे में मंडराते हुए देखा, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए और अपना कमरा बदल दिया। सौरव गांगुली। साल 2002 में इंग्लैंड के दौरे पर गए भारत के मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली लमली कैसल में रुके थे। अचानक बीच रात में किसी आवाज के कारण सौरव की नींद खुल गई, और यह आवाज थी नल से पानी की बूंदें टपकने की। पर जब सौरव वो नल बंद करने बाथरूम में गए तो उन्होंने देखा कि वो नल तो पहले से ही बंद था, और इसीलिए वो ज़्यादा कुछ न सोचते हुए वापस सोने चले गए। पर कुछ ही घंटों बाद बाथरूम से पानी टपकने की ये आवाज़ वापस आने लगी। इस आवाज़ को फिर से सुनकर सौरव बहुत डर गए, और उन्होंने बाकी की रात अपने एक टीममेट के रूम में गुजारी। कहा जाता है दरहैम्स लमली कैसल इस होटल में इसी होटल की मालकिन की हत्या हुई थी, जिसके बाद से इस होटल में कई भूत घटनाओं का अनुभव किया गया है। सौरव की ही तरह वेस्ट इंडीज के कुछ क्रिकेटर्स ने भी इस होटल में भूत घटनाओं का अनुभव किया था। दोस्तों, तो ये थे कुछ क्रिकेटर्स जिन्होंने भूत गतिविधियों का अनुभव किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।